हेलो दोस्तों, एवरी निग्मा में आपका फिर से स्वागत है। भारत यूं तो अद्भुत करिश्मों और रहस्यों का देश है, पर इनसे जुड़ी कई मिस्ट्रीज ऐसी है जिन्हें सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि इन सब मिस्ट्रीज की वजह भूतों और प्रेतों को बताया जाता है और कुछ की वजह एलियंस के निशान बताए जाते हैं कि इनका ऐसा होना एक एलियन की निशानी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ब्लड रेन। दोस्तों, ब्लड रेन को केरल में नोटिस किया गया था। केरल को गॉड्स प्लेस भी कहा जाता है। इंडिया का केरल यूं तो बहुत खूबसूरत है और पूरे साल यहाँ पर बारिश का मज़ा लिया जा सकता है, पर यहाँ पर ऐसे दो शहर हैं जिसमें रेड रेन होती है। ब्लड रेन को सबसे पहले इदुक्की और कोत्तयाम में नोटिस किया गया। अब तक 4 बार इदुक्की और कोत्तयाम में ब्लड रेन हो चुकी है। सबसे पहले 1986 में हुई, उसके बाद 2001, फिर 2006 और उसके बाद 2012 में ब्लड रेन हो चुकी है। ये ब्लड रेन फेमस तब हुई जब 2006 में इसे मीडिया अटेंशन मिली। 2006 में इस पर पहली बार साइंटिफिक रिसर्च हुई थी, पर उन्हें इन सब के बारे में कोई खास प्रूफ नहीं मिला कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पर यहाँ के लोगों का मानना है कि जब जब ये बारिश होगी तब तब इस दुनिया से बुराई का अंत होगा। ये उन शैतानों का खून है जो इस दुनिया में जन्मा और जब उसका पाप का घड़ा भर गया तो उसकी मौत हो गई और उसकी मौत पर यह खूनी बारिश हुई। दूसरी रहस्यमयी जगह जो हम आपको बताने वाले हैं वो है वेस्ट बंगाल की, बंगाल की रोशनी। बंगाल स्वयं या बंगाल की रोशनी भी एक ऐसी ही रहस्यमय घटना है जो आज भी देखी जा सकती है। ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। वेस्ट बंगाल के दलदल के पास ये लाइट गुजरती है, कभी दलदल के ऊपर तो कभी दलदल के बीच में। इस लाइट का कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं निकला है कि आखिर ये लाइट आई कहाँ से। इन लाइट को सबसे पहले मछुआरों ने देखा था और उनका कहना है कि ये उन लोगों की रोशनी है जो यहाँ पर मछली पकड़ते हुए दलदल में फंस गए और उसके बाद बाहर नहीं निकल पाए और उनकी यहीं पर मौत हो गई। आसपास के लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक मछुआरे ने दलदल के ऊपर जादू टोना किया, जिसके कारण ये दलदल एक मौत का दलदल बन गया और उसके बाद इस दलदल ने बहुत मछुआरों की जान ली। आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि ये रोशनी मछुआरों को रास्ता भी दिखाती है और कभी कभार उन्हें डराती भी है। कई लोगों का कहना है कि ये रोशनी अपनी ओर आकर्षित करती है और अपने पास बुलाती है, पर अब तक इसका कोई खास सबूत नहीं मिल पाया है कि आखिर ये रोशनी आई कहाँ से। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल के साथ साथ इंस्टा पर भी हमें फॉलो करें ताकि आप लोगों को मिस्टीरियस फैक्ट्स भी मिल सकें।